हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। तो अभी बज चुके हैं दोस्तों 10:30। अभी बज चुके हैं 7:30 दोस्तों, और आज का प्लान हमारा है टेंपल जाने का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। और आपको बता दूं कि जहां हम जाने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और जो टैक्सी वाला है वो हमारा वेट कर रहा है। तो फिलहाल तो हम उसकी गाली खा रहे हैं, फिर जाके हम माता रानी के दर्शन करेंगे। चलो पहले चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम सुरगंडा मंदिर पहुंच चुके हैं, और आपको बता दूं कि सुबह के 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ ट्रॉली की सुविधा भी रखी हुई है, इस साइड से हम टिकट ले सकते हैं। और ये है ट्रॉली की सुविधा, जिसे पैदल जाया नहीं जा सकता वो ट्रॉली लेके जा सकता है। और वहाँ ऊपर सुरगंडा मंदिर है। बहुत मिन्नतों के बाद हम अभी सुरगंडा जो टेंपल है माता रानी का, उसकी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये चढ़ाई सिर्फ जैसे बिंदेश्वर महादेव की चढ़ाई है, जस्ट लाइक वैसी ही है, बस यहाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं और हमारी इधर जो मिट्टी के रास्ते होते हैं बस इतना अंतर है। और जो मंदिर है वो काफ़ी ऊंचाइयों में है, तो हम शॉर्टकट वाले रास्ते में आए हैं। तो सबसे पहले हम देहरादून से रायपुर आए, और रायपुर से हम कद्दूखाल, एक नाम है यहाँ से माता रानी का मंदिर स्टार्ट होता है, तो कद्दूखाल में अभी हम पहुँच गए। और थोड़ी देर बाद हम मंदिर ही पहुँच जाएंगे। 12:30 बजे के करीबन हमें दोबारा कद्दूखाल में पहुँचना है, और जो जिस टैक्सी से हम आए उसी टैक्सी में हमें दोबारा बैठना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इलेक्शन की वजह से जो भी रूट है टैक्सी वगैरह वो सब चेंज हो चुकी है, मतलब नहीं मिल सकती हमें। तो अभी फटाफट चलते हैं हम। सी इज माई फ्रेंड बिंदु। बिंदु सी ऐसे, हाय बिंदु, कैसा लग रहा है आपको? You all have to come here, visit. You will experience. बताओ ना, where are you from? I'm from Bangalore. But I was in Delhi for my training. But because of my friend, I'm here to explore Dehradun. कुछ दिनों बाद हम इसको भी पहाड़ी बना देंगे दोस्तों, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। Searching for a पहाड़ी boy. दिस इज़ बुरास दोस्तों, अब तो बुरास भी खिल गए दोस्तों, तो घर क्यों नहीं आते, पहाड़ियों कहाँ हो तुम? तो दोस्तों हम उतने नीचे से आए जहाँ से लाल लाल कलर की एक छत दिख रही होगी, और जो सुरगंडा माँ का जो मंदिर है वहाँ से आने का रास्ता जो है वहाँ से तुम स्टार्ट, तुम्हारी टैक्सी रुकेगी, फिर तुम सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे 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 आओगे। और ये जो पहाड़ है ये सिर्फ दीवा माँ के पहाड़ों की याद दिलाते हैं, क्योंकि दीवा माँ का जब हमने ट्रैक किया था तो हमने दीवा माँ के दर्शन करे थे, तो कुछ इस तरीके से ही पहाड़ थे दोस्तों। तो मन कर रहा है हम क्या पता दोबारा जाएँ, बट अभी तो फिलहाल हम माँ सुरगंडा जी के दर्शन करेंगे, तो इस रास्ते से हमें जाना है। लागते ऊंचा केला साजो, लागते ऊंचा केला साजो, लागो लागतो ऊंचा केला साजो, लागते ऊंचा केला साजो, लागो लाग ऋण झूणा पानी जो, ऋण झूणा पानी जो, लागी मैं लागी बन मैं तकी कूदाओ, मैं लागी मैं तकी कूदाओ। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो दोस्तों सुरकंडा मंदिर में हमने ये पहाड़ी गेटअप पहना हुआ है, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मानसी मुझे कमेंट करना ये वाला गेटअप मुझे कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या मुझे, कमेंट करना गाइस कैसा लग रहा है मुझे। अभी माँ सुरकंडा जी का भोग लग चुका है दोस्तों, तो कपाट बंद हो चुके हैं, ये अच्छा पहर नहीं माना जाता है पूजा आरती करने के लिए। तो हमें दर्शन हो गए थे, हम काफ़ी मतलब खुश नसीब थे। और यहाँ से व्यू देखो काफ़ी अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि जो ये मंदिर है टिहरी और देहरादून के बीच बॉर्डर में आता है, तो हम 3 घंटे के सफ़र में आए थे,
देन इसके चारों तरफ हिमालय पर्वत है जो कि इसकी सुंदरता को बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है दोस्तों। जब कभी भी आप उत्तराखंड या देहरादून आओगे तो माँ सुरगंडा टेम्पल जरूर आना दोस्तों। जो दोस्तों ये चारों तरफ आप लंबे लंबे पहाड़ और बादल देख रहे होंगे उसके बीच हिमालय पर्वत है और ये जो मंदिर है पूरे हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है तब जाके इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा सुंदरता होती है। मतलब हेवन हेवन तो है ही पहले से क्योंकि माँ सुरकंडा जी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती और भोलेनाथ जी निवास करते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करते हुए आ गए और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम काफ़ी लकी थे क्योंकि हमें माँ सुरकंडा देवी के दर्शन मिल गए थे देखने को और साक्षात माँ सुरकंडा देवी हमारे सामने थी और उन्हें हमें काफ़ी अच्छी तरीके से उनके दर्शन देखने को मिल गए और हमारा जो ट्रिप था जो हमारी यात्रा थी वो काफ़ी सफल हुई हमारी। यदि आप सब लोग आना चाहोगे तो यहाँ आना। A few moments later. So, दोस्तों अभी हम चंबा के मार्केट में और चंबा के मार्केट का जो रेट है ना मतलब सभी चीज का वो एकदम यहाँ है यहाँ मतलब सो रेटेड है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। एक तो हमें 10-10 रुपए करके सब ने लूट दिया आप 200-200 रुपए करके सब लूट रहे हैं। पर यहाँ की जो फेमस मिठाई है वो है बाल मिठाई। वो मैंने ले ली है 100 रुपये की क्योंकि मेरे जो भैया हैं उनको पसंद है काफ़ी बाल मिठाई तो उनके लिए ली है मैंने। अपने लिए कुछ नहीं लिया सिर्फ हमारा जो खर्चा था वो एकदम किराए पे गया है दोस्तों। और अभी हमें यहाँ से देहरादून तक की बस नहीं मिल रही क्योंकि वो हमें कहते कि 250 रुपये तुम्हें पे करना होगा पर एक बंदे का। तो कितना बनना 250 नहीं है कितना होता भाई 750 हमें देना पड़ेगा और कहता तुम 60 रुपये मत देना बस इसलिए कि तुम्हारे लिए विक्रम मिल जाए 20 रुपये का। तो 60 रुपए की हम पे वो दिखा रहा भाई मैं तो टूट गया बिखर गया फूट के सब मैं इधर उधर हो गया भाई अब मैं क्या करूँ। हम हैं अभी चंबा बाजार में गाइस। हम गए थे सुरकुंडा तो हम आ गए चंबा की मार्केट में। बवालो ये कसीना आ रहा है ये चंबा की सब्जी कितने रुपए किलो है ये 100 रुपए किलो गुनियाल है ये भाई 200 नहीं बोला गाइस चंबा के 200 रुपए वो सब 200 करके साले हमें यहाँ ख़त्म कर दिया। पहला रीज़न तो ये था कि हम जिस टैक्सी में आए थे ना उस टैक्सी वाले ने हमको यहीं छोड़ दिया सुरकंडा टेम्पल और ये बोल के क्या है कि मेरा किराया दे देना है मानसी। अब जाते वक्त हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही है जाने के लिए तो उन्होंने बोला कि तुम चंबा वरना पहले हम मसूरी से आ रहे थे पर मसूरी के लिए जितने भी पैसेंजर थे वो फुल नहीं थे दोस्तों तो हमें चंबा यूज़ करना पड़ा। मुझे ये गाना याद आ रहा है कि धनी सिंह की चंबा बाजार बहुत ही ज़्यादा महंगा दोस्तों मैं तो लूट गया। और अभी हम वेट कर रहे हैं विश्वनाथ वाली बस जो कि सीधा हमें रायपुर छोड़ेगी देहरादून के तो अभी वो आई नहीं है। यहाँ सब झूठ कह रहे हैं कि वो बस नहीं है ताकि हम उनके साथ चले जाएं। और यहाँ का किराया मतलब चंबा से देहरादून का किराया 250 रुपये इतना तो हमने सुबह भी नहीं दिया था जितना देना पड़ रहा है भाई इतना तो हमारे पास है भी नहीं तो हम वेट करेंगे। तो अभी 5 बजने वाले तो 5 बजे विश्वनाथ की गाड़ी आ जाती है दोस्तों तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें नहीं मिली तो हम दोबारा टेंपल जाएंगे और फिर वहीं रहेंगे हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है। पर हम सब चाहते हैं कि हमें घर जाने को रास्ता मिल जाए। एक ये वाला एक्सपीरियंस भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ना ये मानसी बढ़िया लग रहा है ना बिंदु हाँ बढ़िया लग रहा है। यू लाइक इट उत्तराखंड चंबा आल्सो हमने एक नारा पकड़ रखा 200 और जब हमने कद्दू खाल में माँ सुरगंडा टेंपल के बारे में जानने की कोशिश करी तो सबका यही कहना था कि जब माँ सती के पिता यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने ना लॉर्ड शिवा को नहीं इनवाइट करा था तब जाके फिर माँ सती ने मतलब अपने आप को जो आग है उसमें सती करना चाहा फिर माँ सती आग में सती हो गई। फिर उसके बाद जब लॉर्ड शिवा को यह पता चला कि मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है वो मतलब सती हो गई है तो उन्होंने फिर तांडव वगैरह करा और तब तक वो तांडव करा जब तक मतलब माँ सती का जो शव है वो सड़ ना जाए। तो फिर विष्णु भगवान जी आते फिर उन्होंने
ये अपने चक्र से मतलब माँ सती के जो सर्व का है वो 51 भागों में मतलब खंडित करा, और उसमें से एक खंड जो है सिर वाला खंड माँ सती का वो सुरकुंडा टेम्पल में जाके गिरा। तो पहले सुरकुंडा टेम्पल का नाम सिरकुंडा नाम से जाना जाता था क्योंकि माँ सती का जो सिर वाला भाग था वो वहाँ उस टेम्पल में था। तो मॉडर्न टाइम पे अब सिरकुंडा टेम्पल को सुरकुंडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस टेम्पल के पीछे ये सब कहानी थी माँ सुरकुंडा की। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, आई होप आप सबको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।